तो हेलो मेरे YouTube फैमिली, कैसे हो? मुझे पता है कि आप लोग मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप आज के वीडियो में फ्रेंड्स वन क्लिक में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है एकदम फ्रेंड्स। वन क्लिक में एकदम पिक्सार्ट से एकदम हाई क्वालिटी में आप लोगों को फोटो एडिटिंग करना सिखाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ इस टाइप का, हाई क्वालिटी में आप लोगों को फोटो एडिटिंग करना सिखाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम हाई क्वालिटी में आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिना देरी के चले फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहें। तो सिंपली फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को पिक्सार्ट ओपन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पिक्सार्ट ओपन करेंगे, ठीक है अपना। और पिक्सार्ट ओपन करने के बाद सिंपली फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना होगा, ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को क्या करना होगा फ्रेंड्स, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। प्लस वाले आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आप लोगों का गैलरी का जो फोटो सब है, वीडियो सब है, वो खुल के आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को क्या करना होगा फ्रेंड्स, आपका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये रहा हम लोग का बैकग्राउंड, तो यहाँ से बैकग्राउंड हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं साइड में बहुत सारा मतलब व्हाइट ये किया हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा क्रॉप करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्रॉप करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सिंपली फ्रेंड्स ऊपर साइड आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा क्रॉप कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बैकग्राउंड को थोड़ा क्रॉप कर लेंगे हम लोग, अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्रॉप करने का सिंपली फ्रेंड्स आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर साइड डन कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ऊपर डन कर लेंगे, डन करने का सिंपली फ्रेंड्स हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे मॉडल का जो फोटो है वो ऐड करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐड करने के लिए आप लोगों को मालूम ही होगा क्या करना होगा, यहाँ पे ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड फोटो में क्लिक करेंगे। ऐड फोटो के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को जो मॉडल का फोटो है वो ऐड करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडल का फोटो चूज कर लेंगे। तो सिंपली फ्रेंड्स ये रहा मॉडल का फोटो, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर ऐड करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्लिक करने के बाद सिंपली फ्रेंड्स ऊपर साइड ही आप लोगों को ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ऐड का ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपका जो मॉडल है वो आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे एडजस्ट करके आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को एडजस्ट करके बैठा लेना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। एडजस्ट करके यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बैठा लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बैठाने के बाद आप लोगों को नीचे साइड आप लोगों को शेडो का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं शेडो का ऑप्शन मिल चुका है, ठीक है। तो शेडो का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपने मॉडल के हिसाब से शेडो को लगा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग क्या करेंगे, मॉडल के हिसाब से शेडो को लगा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इससे क्या होगा, आपका जो फोटो है वो रियलिस्टिक दिखने लगेगा, ठीक है। हम लोग शेडो लगा दिए हैं, शेडो लगाने के बाद सिंपली फ्रेंड्स क्या करना होगा, यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो फोटो है वो एडिट हो चुका है, मतलब मॉडल का जो फोटो है वो ऐड हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोगों को इस पर कलर एडिटिंग करना है, तो कलर एडिटिंग करने के लिए सिंपली फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना होगा, इस वाले फोटो को लाइट रूम में ओपन करना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स लाइट रूम में मिलते हैं। तो सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे लाइट रूम में हम लोग अपना जो मॉडल का फोटो है वो ऐड कर लें, आप लोग भी कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोग का जो फेस का जो लाइट है वो बैकग्राउंड का लाइट है वो मैच करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैच करने के लिए आप लोग क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे साइड आप लोगों को लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, लाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। एडिट एंड HDR मोड को ऑन कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। इन दोनों को ऑन कर देंगे, ऑन करने के बाद सिंपली फ्रेंड्स आप लोग फोटो का रिजल्ट देख सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को कलर एडिटिंग करना है, तो कलर एडिटिंग करने के लिए लाइट वाले ऑप्शन के बगल में ही कलर का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है अपना। तो हम लोग को क्या करना है, मिक्स टूल पर नहीं जाना है, मिक्स टूल पर नहीं जाना है, ये सब कलर को छेड़खानी नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा क्या करेंगे, हम लोग माइनस करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करके देखते हैं कैसा लगता है कलर, ठीक है। तो माइनस करने के बाद देख सकते हैं एकदम बेहतरीन कलर आ चुका है। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा के देखते हैं, ठीक है, और थोड़ा माइनस कर देंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बढ़ा देंगे। उसका सिंपली फ्रेंड्स इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा माइनस कर देंगे। उसके बाद आप लोग फोटो का रिजल्ट देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, एकदम हाई क्वालिटी में आप लोगों को जो फोटो है वो एडिटिंग हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा करता हूँ, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लाइक करे, शेयर करे, चैनल पर न्यू होता है सब्सक्राइब जरूर कर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।